ये सर पढ़ रहा है बीबीकॉम एसबीएससी में।
प्रेजेंट है, फाइनल ईयर में। ये सर इलेक्ट्रिकल गुड्स अभी तो सप्लाई करता है, बट ये कह रहा है कि मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलूंगा, इसके अंदर अभी 4 एम्प्लॉइज भी हैं, और अभी ये वीवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेकेंड ईयर में ही है, बट ही हैज स्टार्टेड दिस वर्क। पर इसका प्लान ये है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है। 10 एम्प्लॉइज है इसके अंदर भी। ये एक आर्टिस्ट है सर अनमोल, ये बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस बनाता है और इसी को इसने एज ए अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। पहले आर्मी में था, वहां से डिफेंस से छोड़ के अब इसने ये काम अपना शुरू किया है लॉकडाउन के बीच में। इज मिंटिंग मनी नाउ, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट करने के लिए। ये सर हमारे छात्र, ये सारे हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, ये वाले किधर वाले, ये तो सर एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के जो टॉप 10 हैं, उनकी हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये उनकी डिटेल्स यहाँ लगा रखी हैं, ताकि बच्चे आए देखें और मोटिवेट हो और अपना काम भी शुरू करें। ये बच्चों ने सर छोटी छोटी एप्स बनाई हैं विच इज प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू द सोसाइटी, जैसे एक प्रथम सेवक नाम से बनाई है बच्चे ने, ये एनजीओ से कनेक्ट करने के लिए जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, ये असिस्टेंट उसके ऊपर बना रहे हैं। अभी तो चैटबॉट बनाया है इन्होंने, बट ये कह रहे हैं कि हम स्पीच पे भी उसको ले आएंगे, सो दैट कि बोल के आप अपनी प्रॉब्लम देंगे तो ये सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सी एनजीओ के साथ हम कनेक्ट करा सकते हैं। हाँ जी, इसने सर ई कॉमर्स साइट बनाई है, कोई भी ये सर बच्चा बीए किया है इसने और उसके बाद पीजीडीसी इनरोल हुआ, अभी पीजीडीसी का स्टूडेंट ही है जो 1 ईयर डिप्लोमा होता है, और अब इसने अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली है जो ये किसी को भी सेल कर सकता है और लाइव करने वाला है। ये सर हमारी एक्टिविटीज की डिटेल है जो हमने इस साल काउंसिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं, जैसे हैकाथन है या आईपीआर के ऊपर वर्कशॉप्स कराई हैं, डे सेलिब्रेट किए हैं, एनवायरमेंट डे किया है, तो जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उनकी डिटेल्स इस पे हमने। डेजिग्नेशंस पे हैं जैसे आईपीआर की एक्टिविटीज को डॉक्टर बालेश देखते हैं, डॉक्टर गिरधर हैं जो एनआईआरएफ कोऑर्डिनेटर हैं, माइसेल्फ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर जीनत हैं जो एरिया कोऑर्डिनेटर हैं, इसी तरह से डॉक्टर आरती हैं इनोवेशन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं, और डॉक्टर मोहित हैं स्टार्टअप एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, एंड मैडम रेनु हैं इंटर्नशिप एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर। दीज टू आर द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स। यस है जो हमारा, हमने अपना लोकल एसडीसी इनोवेशन इकोसिस्टम बनाया है जिन जिन यूनिवर्सिटीज के साथ या इंडस्ट्री के साथ, मेंटोर के साथ या एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे हैं जिनके साथ हमने टाई अप करके अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं अपने आईआईसी सेल के अंडर, ये हमने उनकी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले की है, सो दैट कि बच्चे भी जब आए तो देखें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे और इंडस्ट्रीज हमारे साथ ऐड अप होती जाएंगी तो द लिस्ट विल बी। ये हमारे मेंटोर्स हैं जो एमओ, कुछ तो इसमें से एमओई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ हमारे जो जैसे डॉक्टर अनिल जैन है ये मेंटोर हैं क्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी इंक्यूबेटर सेंटर के, डॉक्टर राहुल दनेजा है साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके साथ हमारी एसोसिएशन है जो हमें टाइम टू टाइम टाइम देते रहते हैं और हमारे बच्चों को गाइड करते रहते हैं या उनको मेंटोर करते हैं कि कैसे वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स ही हैं सर जो अब एज ए एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं और आते हैं हमारे यहाँ पे विजिट करने और बच्चों को गाइड करने भी कि वो अपना कैसे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay.
चलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीच में कुछ लिमिटेड कॉपी छपाई थी, जैसे इसमें ये हमारा सिटीजनशिप है, तो सिटीजनशिप में हमारा जो आईडी का सिस्टम का फोटोग्राफ वगैरह दी होगी, तो लास्ट में इसमें सिग्नेचर्स हैं जो कंस्टिट्यूशन मिली थी उसमें। राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा नेहरू और इन लोगों की ओरिजिनल कॉपी सिग्नेचर्स है। एक वैसे जो ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर तो रामायण और वो सब चीजें इसके अंदर वो सी रेप्लिका है सर, सेम है वही है सर, वही है सेम रेप्लिका है उसकी। जैसे इसमें ये हमारा यदि इलेक्शंस का है तो शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे लीडर्स हमारे होने चाहिए, इस तरह का जो कंसेप्शन है वो इसके अंदर दिया हुआ है। अलग 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 उसके लिए ये जैसे यहाँ पे हमारा है ये नटराज का उसका दिया हुआ है इसमें, और ये प्रेम इसमें लिखा हुआ है, जिस बंदे लिखा हुआ उसके प्रेम राय उसमें इसने कोई लिखाई का उसने लिया था, उसने मेरा नाम आना चाहिए। उसमें हर चैप्टर की जो सेंस बनती है सेंस के अकॉर्डिंग फोटोग्राफ वगैरह लगाए हुए, जैसे रामायण की महाभारत से क्वेश्चन पूछता है जिनको जो गीता को उपदेश दे रहे हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि गीता से पढ़ते किसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं होते, ये चैप्टर है तो फोटो भी उसी का है। सिटीजनशिप है एजुकेशन के भी नहीं बोल हड़प्पा भी मतलब उसकी बहुत बड़ी रोल है उसकी, तो वेरी फर्स्ट चैप्टर है और ये उसकी ओरिजिनल प्लेन है, सेक्युलर वर्ल्ड बाद में डाला हुआ चीज़ें इसका ये ओरिजिनल भी है। सोशलिस्ट और सेक्युलर सेक्युलर बाद में जो टाइम में बना, और जैसे
की वेबसाइट एक्सेसिबल होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 30-33 टीचर्स आ रहे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर इंडिया बाहर के लोग हैं उसमें। अच्छा 14,000 से ज़्यादा हमारे पास उसमें है स्टूडेंट मॉडल के ऊपर इंडिपेंडेंट है। जितने लोग हैं यहाँ पर रिकॉर्ड करें अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट सारे करते हैं जो 22 पेज है जो यंग बच्चे हैं ना वो करते हैं हमने ट्रेनिंग की सीनियर लोगों ने लेक्चर कैसे लिया हमने ड्यूरिंग कोविड टाइम तो सर हमारा मीट पर हमारा मॉडल है हमारे पास सर तो सारा उसी से अटैच कर दिया हमने टोटल मॉडल पे कर दिया सारा वो हमारे पास बेस्ट वो हमारे पास सर कैसे आया था हमारे में 7 टीचर दिल्ली में जो हमारा सेंटर है इनका उन्होंने एक डिजिटल टीचर की 1 मंथ ट्रेनिंग कराई थी उसमें सारा सिस्टम यही दिखाया था इट वॉज वे बैक इन 2016 तो हमें वो कोविड में बेनिफिट हुआ उसका हमारे
दो लेयर डाल देते हैं, बीच में डाल देते हैं, बाकी सारे पत्ते हैं। उपस्थित होते हुए आप सभी खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। सभी विद्यार्थी सनातन धर्म महाविद्यालय के प्रांगण में कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र सनातन धर्म महाविद्यालय परिवार आपका इस प्रांगण में उपस्थित होने पर हार्दिक अभिनंदन करता है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी सभागार में पहुंच चुके हैं, साथ में प्राचार्य सनातन धर्म महाविद्यालय सनातन धर्म प्रबंधक कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष डॉक्टर देशबंधु जी, सनातन धर्म प्रबंधक कार्यकारिणी के अन्य सदस्यगण, दूसरे सभी टीचर से मेरा निवेदन कि वो अतिथियों के लिए स्थान कर दें। महाविद्यालय अम्बाला छावनी डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सनातन धर्म महाविद्यालय प्रबंधन कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष डॉक्टर देशबंधु जी,
एवं प्रबंधन कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर आर सी शर्मा जी एवं मंच पर उपस्थित विभिन्न महाविद्यालय से आए प्राचार्यगण, डॉक्टर अनुपमा आर्या प्राचार्य आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला छावनी, डॉक्टर राजश्री प्रे प्राचार्य एमपीएम अपनी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण करने के लिए आए सभी प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का सनातन धर्म महाविद्यालय परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने हेतु माननीय मुख्य अतिथि एवं मंच पर उपस्थित अन्य बुद्धिजीवियों से मेरा विनम्र निवेदन कि भारतीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके दीक्षांत समारोह की विधिवत शुरुआत करें। Respected guests, my dear colleagues, parents, students, friends, persons from media and press. I, on behalf of Sanatan Dharma College, Ambala Kent, welcome you all to the annual convocation 2022. We feel honored and privileged to have a chief guest, Professor Somnath Sachdeva, Honorable Vice Chancellor, Kurukshetra University, Kurukshetra. On this celebratory Yat soil occasion, we remember in 1916 the institution was set up in Lahore under the dynamic influence of Bharat Ratna Mahamana Madan Mohan Malviyaji, known for his nationwide enlightenment movement based on the culture, education dissemination, social reforms of all the Sanatan Dharma leaders who aspired for the college to reach the pinnacle of success. Vyagmurti Goswami Girijar ji, this year was no exception. My heartiest congratulations to all the students for their hard work. The faculty has contributed enormously to the eminence and reputation of the college. They have been pursuing research, presenting papers, publishing articles and writing books, and have also been associated with academic and other organizations. Teachers have also organized and participated in faculty development programs, conferences, workshops. I also take the opportunity to congratulate the faculty member who received the distinguished awards. At present, the college has 2,800 students on its roll and 105 dedicated faculty members
and 60 non-teaching employees to cater to the academics and non-academics pursuits of the college. This year, 1,594 students have been extended scholarship and financial assistance sponsored by the state government, central government and private agencies worth more than 1 crore rupees. This year, 92 add-on certificate and evaluated courses on technical skill, communication soft skill, life skills and cross-cutting issues have been offered to the students during the session as per their interest and inclination for their holistic development. National festivals like Republic Day and Independence Day was celebrated at the division level. SDM Ambala was the chief guest. Dear friend, the most important asset of any educational institutions are the students. We take pride in the fact that our students excel in every field, including academics, cultural, sports, NCC, NSS, and extracurricular activities. In Jonal Youth Festival held at MPSD College, Ambala City, our college once again lifted the Ambala Zone overall trophy by winning 15 recommendations and 9 commendations. Vaishnavi Tiwari, the student of this college, won the Vice of Kurukshetra University Kurukshetra second time. In sports this year, a number of our students brought laurel to the institution by winning 17 medals at national and 45 at the All India Inter-University level and 310 medals at state and inter-college level. In all, 385 students participated in various sports events. In NCC, cadets of boys and girls wings attended many camps and organized various activities at different places. 6 cadets participated in a Guard of Honor competition and secured first position in the state of Haryana. The NSS unit of the college is awarded the award of recognition by Kurukshetra University Kurukshetra, District Green Champion Award by Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, and Certificate of Recognition for Beti Bachao Beti Padhao program by Haryana Kala Parishad. The volunteers participated in 56 activities throughout the year, including rallies, camps, awareness program, and many extension lectures were organized on social issues. Youth Red Cross unit of the college added another feather to its glorious cap this year. The college was awarded a certificate of recognition by the Indian Red Cross Society for commendable work in the field of life-saving program by organizing volunteer blood donation camp and for outstanding contribution in the fight against COVID-19 by organizing COVID-19 vaccination camps. The college contributed to the cause of blood donation by organizing mini and mega blood donation camps on the campus. This year, the college library was fully renovated by spending an amount of 90 lakh and printed and e-books worth of 20 lakh have also been added to the library existing resources. 15 workshops, seminars were conducted on research methodology, intellectual property right, and entrepreneurship. 18 MOUs were signed this year with other universities, industries, and corporate houses. This year also, all the departments of the college organized many national seminars, conferences, faculty development programs, and workshops. 52 students qualified in the state, national, and international examination. 12 professional development programs or administrative training programs were organized by the institution for teaching and non-teaching faculty. 52 teachers are provided with a financial support to attend the conferences, seminar to promote research culture in the institution. 49 teachers have published papers, books and chapters in the edited volume of the books. 19 faculty members of the 12 government have applied for the research to non-government agencies, an amount of which 2,60,000 have been approved by various non-government agencies to these departments. Apart from these, the college have an active career guidance cell that organizes lectures, workshop, and training forum for a student of the college. College also have proactive alumni sessions, women's cell, road safety club, environment awareness club, young speaker club, adhatmik sabha, legal literacy cell, Rotaract club, and 17 subject associations that organize a large number of activities and competition throughout the year. College regularly publishes annual magazines, Sankatam, Sancharita.
The college has its own dedicated, up-to-date and fully functional website and college information management system that helps in transparent functioning of the institution. The press and publicity committee of the college is actively engaged in bridging the gap between the institution and general public by highlighting all the activity organized in the college in local press and media. The construction of additional toilets and ramp for the physically disabled students were completed this year. Institutional Innovation Council, repair of additional existing rainwater harvesting tank and rainwater recharging units, addition of few composting pits, greenhouse, development of lecture recording studio, herbal parks, and installation of few fire extinguisher system in the college. Friends, I seek this opportunity to extend my heartfelt gratitude to all the faculty members who tirelessly work to fulfill the responsibilities assigned to them as convener of various associations, clubs, and sets. I am also thankful to the College Managing Committee, Director General of Higher Education Haryana, Kurukshetra University, Kurukshetra, University Grant Commission New Delhi, and State and District Administration for their guidance and support. I also thank NGOs and other government and private agencies for extending a generous help, helping hand to our causes. My thanks are also due to the faculty members who helped in meticulously compilation of this report. I once again congratulate all the degree holders for a successful and bright future ahead. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. के सदस्य और प्राचार्य महोदय की देखरेख में उनकी सोच समझ से ये महाविद्यालय निरंतर आगे बढ़ता हुआ कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने हेतु मैं प्राचार्य महोदय से निर्णय लेता हूं। प्राचार्य महोदय, मैं आपसे सनातन धर्म महाविद्यालय अम्बाला छावनी के वार्षिक दीक्षांत समारोह के उद्घाटन की घोषणा करने की प्रार्थना करता हूँ। दीक्षांत समारोह के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। स्नातकों एवं परास्नातकों को मुख्य अतिथि के अभिभाषण के उपरांत प्रस्तुत किया जाए। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी का आप सभी लोगों से परिचय करवाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आज जिस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद को प्रोफेसर सोमनाथ जी सुशोभित कर रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय के ये पूर्व छात्र रहे हैं। इन्होंने अपनी स्नातक की परीक्षा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से उत्तीर्ण की और बाद में इसी विश्वविद्यालय से IIT रुड़की एवं NIT कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर के मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। डॉक्टर सोमनाथ जी को NIT कुरुक्षेत्र जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक शोध परामर्श एवं प्रशासनिक कार्यों का 35 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में वर्ष 2005 में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में MTech कार्यक्रम को शुरू करने एवं उन्नत स्तर की दो प्रयोगशालाएं स्थापित करने का श्रेय भी इनको जाता है। डॉक्टर सोमनाथ जी ने NIT कुरुक्षेत्र ज्वाइन करने से पहले अपने शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से की। इनके पढ़ाने के जुनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि SSB के माध्यम से सेना के इंजीनियरिंग विंग में कमीशन ऑफिसर के रूप में चयन या संघ लोक सेवा आयोग की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए सीमा सड़क संगठन एवं अखिल भारतीय आकाशवाणी और दूरदर्शन की निर्माण शाखा में कार्यकारी अभियंता के रूप में चयन होने के उपरांत भी इन्होंने अध्यापन कार्य को प्राथमिकता दी। जहां तक शोध एवं विकास कार्यों का संबंध है, आपने 75 से ज्यादा MTech एवं PhD शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में आपके 100 से अधिक शोध पत्र एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की
कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको इंडियन रोड कांग्रेस जनरल एवं अमेरिका में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में सर्वोत्तम शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड एवं गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपने ब्रिटेन, अमेरिका, हांगकांग और चीन की यात्राएं की हैं एवं अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। आपकी हाईवे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश में एक मुख्य सलाहकार के रूप में विशिष्ट पहचान है। आप लगभग पिछले 25 वर्षों से सरकारी एवं निजी क्षेत्र के संगठनों के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्य तकनीकी परामर्शदाता के रूप में भी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की राज्य तकनीकी एजेंसी के संयोजक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपने 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य के हरियाणा की ग्रामीण सड़कों के प्रोजेक्ट्स के सुदृढ़ीकरण एवं उनको चौड़ा करवाने में आपने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने आपकी विशेष सराहना भी की है। आपने लगभग 15 वर्षों तक एनसीसी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं एवं कैप्टन के रैंक से भी आप सुशोभित हैं। आपके पास हरियाणा के कई विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी एवं शैक्षणिक परिषद के सदस्य के रूप में प्रशासनिक अनुभव है। आप राष्ट्रीय स्तर की कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन रोड कांग्रेस फॉर फार्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स फॉर सीमेंट कंक्रीट रोड्स एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। आप भारत सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए भी मास्टर ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कई प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों के लिए आप आजीवन सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सामाजिक सेवा में अपना योगदान देने में भी डॉक्टर सचदेवा जी अग्रणी रहे हैं। कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड को 4 लेन करना या पिपली से थर्ड गेट तक सड़क को चौड़ा करना या थर्ड गेट से ज्योतिसर तक सड़क को 6 लेन करना डॉक्टर सचदेवा जी की इन सभी में उल्लेखनीय भूमिका रही है। नरमाना ब्रांच से ब्रह्म सरोवर तक स्वच्छ जल की आपूर्ति एवं पिहवा तीर्थ स्थल को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के सामाजिक कार्यों के लिए भी आप अग्रणी रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कृष्णा मार्केट के कृष्णा सर्किट के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से विकास कार्यों के लिए 90 करोड़ से भी ज्यादा का अनुदान प्राप्त करवाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और आपको राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने का भी गौरव को प्राप्त हो चुका है। प्रोफेसर सचदेवा जी न केवल शैक्षणिक अनुसंधान परामर्श एवं प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हैं, अपितु विद्यार्थी जीवन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते आ रहे हैं। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में बैडमिंटन में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है एवं एनसीसी में सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज के रूप में चुने जा चुके हैं। प्रोफेसर सचदेवा जी अपनी वैज्ञानिक सोच के साथ हरियाणा के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने के साथ साथ आज देश और समाज को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यह सनातन धर्म महाविद्यालय परिवार का सौभाग्य है कि हमारे विद्यार्थियों को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति स्वयं आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके लिए मुख्य अतिथि महोदय आपका कोटि कोटि आभार। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के दीक्षांत समारोह के लिए
अभिभाषण देकर अपने प्रेरित शब्दों से इन विद्यार्थियों को और अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी लोगों का मान धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। दीक्षांत समारोह में मंचा सिंह, डॉक्टर देशबंधु वाइस प्रेसिडेंट एसटी मैनेजमेंट कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, डॉक्टर जोगिंदर जी कन्वीनर, डॉक्टर आरसी शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिसेज निरेंद्रजीत कौर डायरेक्टर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक चौधरी जी, प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपमा आर्य जी, प्रिंसिपल डॉक्टर राजश्री खरेड़ एवं उतने ही सम्मान योग्य सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, महानुभाव, एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स, मीडिया बंधुओं एंड अबव ऑल द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, आप सबका इस दीक्षांत समारोह में बहुत बहुत अभिनंदन। ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत बहुत बधाई व ढेरों शुभकामनाएं। आज आपने जो योग्यता हासिल की है उसके पीछे आपके माता पिता, परिवार के लोग, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ऐसे अनगिनत लोग रहे होंगे, उन सब की मेहनत, योगदान आपके जीवन को घड़ने में लगा होगा। मैं उन सबका एवं विशेष तौर पर आपके माता पिता, आपके अभिभावकों का और आपके गुरुजनों का इस सुअवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह अत्यंत ही गर्व की बात है कि इस महाविद्यालय के भवन की आधारशिला 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रखी गई। आज मुझे सुअवसर मिला आपके कॉलेज का भ्रमण करने का। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज वन ऑफ द बेस्ट। आपके पास मॉडर्न लैब्स, बहुत सुंदर सेमिनार हॉल, वाईफाई कैंपस, एक अत्यंत उत्कृष्ट लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स के लिए कैंटीन फैसिलिटीज और एक बहुत ही खूबसूरत एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन कैंपस। इसके अलावा कॉलेज के पास बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टी और स्टाफ है। आप तो वर्ष भर में कई बार ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन करते हैं, ये बहुत ही गौरव की बात है। और खासकर आपके पास जो एक इनोवेशन काउंसिल जो आपने जिसका आज उद्घाटन भी करवाया, जिसके फलस्वरूप, आपके प्रयासों के फलस्वरूप बहुत सारे विद्यार्थी आज एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, अपने स्टार्टअप्स लगा चुके हैं। और इसी तरह आपने एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बहुत खूबसूरत ढंग से आपकी अपनी उसके अंदर एक इंडिजिनियस सोच है कि किस तरह से पहले हम पानी को स्टोर करें और फिर उसको ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग करें और जो एक्सेस वाटर है उसको हम अपने लॉन्स के लिए वाटरिंग में यूज करें। और साथ में खाद के रूप में आपने जो वर्मी कंपोस्ट का एक बहुत सुंदर मॉडल अपने यहाँ पे डेवलप किया है, विकसित किया है, मुझे लगता है वो सभी के लिए अनुकरणीय है, एग्जाम्पल है बाकी सभी इंस्टीट्यूट के लिए।
आप लोग अपने छात्रों को रोजगार परक शिक्षा दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप न केवल यहां के विद्यार्थी एक अच्छी सोच के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परंतु एक अच्छा रोजगार भी वो अपने लिए और समाज के दूसरे लोगों के लिए भी देने में कामयाब हो रहे हैं। कॉलेज में शोध को बढ़ावा देने के लिए भी आपने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हुए हैं और यहां के छात्र ना केवल एकेडमिक्स में, जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि आपके पास एनएसएस यूनिट, एनसीसी यूनिट्स और दूसरे बहुत सारे क्लब्स जिनके माध्यम से यहाँ के छात्र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व कॉलेज को कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस इसके सम्मान से नवाजा गया और अभी लगभग 5 वर्ष पूर्व 2017 में नेक द्वारा आपको A+ ग्रेड के साथ सम्मानित किया गया। इसके लिए आप सभी मैनेजमेंट के सदस्यों को, प्रिंसिपल साहब को, सभी शिक्षकों को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत अभिनंदन। डियर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, जिस समय आपका एडमिशन इस संस्थान में हुआ होगा उस समय में और आज में आप बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। उस समय एक फियर ऑफ अननोन आपके माइंड में रहा होगा, उस समय आपकी सोच का दायरा अपनों के बीच में सिमटा हुआ था। एसटी कॉलेज ने आपको एक बहुत बड़ा कैनवस दिया है, आज आपने पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस है, क्वेस्ट फॉर द बेस्ट है, पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। इस कॉलेज में क्लासरूम के अंदर एवं क्लासरूम के बाहर कैंटीन्स, कैफेटेरिया में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर और दूसरी अन्य जगहों पर बैठकर आपने जो नॉलेज और स्किल अर्जित की है, इससे आपके विचारों के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी विकास हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव में इस वर्ष में आपने अपनी डिग्री पाई है, आज आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की डिग्री के साथ एसटी कॉलेज की एक रिच लेगेसी लेकर जा रहे हैं। इस मजबूत नींव के साथ आप आज अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा शुभ हो, आपके लिए, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। इस व्यक्तित्व से आप समाज और देश का भला करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। हमारे पास 15 से 30 वर्ष की आयु के बीच 37 करोड़ युवा हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। अभी हाल ही में हमारे युवाओं की सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो सोच पहले काम चलाने की होती थी, आज वो सोच कुछ कर गुजरने की है। पहले समस्याओं से पीछा छुड़ाने की बात होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के संकल्प लिए जाते हैं, समाधान जो स्थायी एवं सस्टेनेबल हो। आत्मनिर्भर भारत इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप सब लोग जानते ही हैं, जिस समय कोविड-19 ने भारत में मार्च 2020 के अंदर दस्तक दी, उस समय हमारे पास देश के अंदर मास्क बनाने की व्यवस्था भी नहीं थी। देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने उस समय आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया और बहुत शीघ्र 3-4 महीने के अंदर ही मास्क से लेकर पीपी किट तक, वेंटिलेटर्स तक हमने स्वयं ही बना डाले। इसका पूरा श्रेय हमारे युवाओं को जाता है। ना केवल इतना सब कुछ, भारत ने पूरे विश्व के उन चंद देशों के अंदर अपना नाम स्थापित किया, अपना नाम लिखवाया, जिन्होंने अपना स्वदेशी वैक्सीन भी बनाया।
आप सब लोग जानते ही हैं, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और ज्वाइंट वेंचर के अंदर बना हुआ कोविशील्ड, न केवल इन वैक्सीन की बदौलत हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए, लगभग 100 से ज्यादा देशों को विश्व भर के अंदर हमने इन इक्विपमेंट्स की वैक्सीन की सप्लाई करके पूरे विश्व में अपना लोहा भी बनवाया। आज 192 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज लगाकर जो एग्जांपल हमारे युवाओं ने, हमारे भारतवर्ष ने पूरे विश्व के अंदर स्थापित किया है, इसका कोई दूसरा सानी पूरे विश्व के अंदर नहीं है। आज इसी आत्मनिर्भरता की बदौलत पूरे विश्व में जो टॉप की 10 कंपनीज हैं उसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वो भारतीय हैं। इस सबसे पता लगता है कि हमारे युवाओं ने एक नए कीर्तिमान पूरे विश्व के अंदर स्थापित किए हैं। ऐसे ही कर्मठ युवाओं की बदौलत आज आजादी के इस 75वें साल में हमारे पास 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 100 से ज्यादा हमारे पास यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स मीन ए कंपनी विद वैल्यू ऑफ $1 बिलियन, लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यूएशन की कंपनीज, और ये सब संभव हो गया हमारे युवाओं के अथक परिश्रम की बदौलत। हमारे युवा आज की स्थिति अनुसार न केवल स्वयं के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं परंतु दूसरों को रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि ये महाविद्यालय हमारे युवाओं को इसके लिए पूरी तरह से प्रेरित भी कर रहा है, जैसा कि आज इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के अंदर देखने को मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश भर में हमने 2025 तक लगाना है, और इसके लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी संकल्पबद्ध है। इसी साल यानी कि 2022-23 एकेडमिक ईयर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कैंपस प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर इसको हम पूर्णतया लगाने जा रहे हैं, और अगले वर्ष से सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी कि आपके महाविद्यालय के भी यूजी प्रोग्राम्स नेक्स्ट ईयर इसके अंदर कवर हो जाएंगे, और पीजी प्रोग्राम्स विद एन ऑफसेट ऑफ 1 ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो पीजी प्रोग्राम्स है उससे नेक्स्ट ईयर आपके पीजी प्रोग्राम्स भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे, यानी कि 2025 तक एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर एनईपी को लगा दिया जाए। आप सब लोग जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिसी टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग ए होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिन क्वालिटी एजुकेशन वेयर इन वैल्यू एजुकेशन स्किलिंग इंडियन ethos, टीचिंग इन इंडियन languages, दीज आर सम ऑफ द हाईलाइट्स। आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड बाई योर कॉलेज इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। फॉर दिस आई थिंक ऑल ऑफ यू डिजर्व कांग्रेचुलेशन। जैसा कि एक हमारा ट्रेडिशन है कि कन्वोकेशन एड्रेस के अंदर अपने विद्यार्थियों को, अपने पासिंग आउट स्टूडेंट्स को, अपने ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को कुछ एक ऐसी बातें बताना जिसका वो जीवन भर ध्यान रखें, तो कुछ एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा एक एक्रोनिम के माध्यम से, एंड दैट एक्रोनिम इज टीच, TEACH। टी स्टैंड्स फॉर थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर एग्जाम्पल लें हम, आप सब लोग जानते हैं अभी गुजरात के अंदर हमने एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एस्टेब्लिश करी, और आपको बताइए कि ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। आप सोचिए कि जिस समय इसकी संकल्पना करी गई होगी
तो किसी ना किसी व्यक्ति ने अवश्य सोचा होगा कि हमने सरदार पटेल जी की जो मूर्ति लगानी है वो विश्व में सबसे ऊंची होनी चाहिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी। तो इस तरह की बड़ी सोच के साथ जिसने संकल्पना करी और आज हम देखते हैं कि मूर्त रूप के अंदर हमारे देश का, गुजरात का वो सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है। इसी तरह से थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एक टीचर क्लास में टीच कर रहे थे तो रोड एक्सीडेंट्स की बात हो रही थी। आपके महाविद्यालय के अंदर भी एक रोड सेफ्टी विंग काम कर रहा है, अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया। तो उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा अपने विद्यार्थियों से कि व्हीकल्स के अंदर ब्रेक्स क्यों लगाए जाते हैं। तो क्लास के अंदर सभी ने इसका जवाब दिया कि व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। किसी ने कहा कि स्पीड कम करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए। किसी ने कहा कि कोलिजन को अवॉइड करने के लिए। एक छात्र पूरी क्लास के अंदर ऐसा था जिसने ये कहा टू एनेबल द व्हीकल टू मूव फास्ट। आप सब लोग समझ सकते हैं कि सभी आंसर्स ठीक थे, परंतु ये वाला आंसर कि व्हीकल को हम तेज चला पाए, ये एक एग्जांपल है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का, विच इज नॉट एज क्रिएटिव थिंकिंग। तो कुछ इस तरह से सोचें जो कि लाइन से हटकर हो परंतु ठीक हो। एजुकेशन, हम सब लोग एजुकेशन के असली मतलब को समझें कि एजुकेशन है क्या। आज आप लोगों को स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने जा रही है। ये डिग्री एक मात्र क्वालिफिकेशन है। इस क्वालिफिकेशन के साथ अगर हम वैल्यूज को जोड़ दें देन इट बिकम्स एजुकेशन। दोज वैल्यूज दैट टीचर्स हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सत्य, अहिंसा, धर्म, इन सब का हम कैसे ख्याल रखें। हम एक ग्लोबल सिटीजनशिप के अनुकूल किस तरह का व्यवहार करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमारे दायित्व क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, इसकी जानकारी हमें हो। हम अपने पर्यावरण का कैसे ध्यान रखें, क्या मेरे अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल है। अगर ये सारी चीजें हमारे साथ हैं तो ये क्वालिफिकेशन और इन सब चीजों को मिलाकर इट मेक्स एन एजुकेशन। इसका ध्यान रखें कि कागज की इस डिग्री के साथ हम लोग एजुकेटेड कभी नहीं बन सकते जब तक ये सब चीजें ना हो। और इसका भी ध्यान रखें कि जिसके पास ये डिग्री नहीं है वो हमारे से ज्यादा एजुकेटेड हो सकता है अगर उसके अंदर ये सारी चीजें। हम एक हाईएस्ट डिग्री लेने के बाद भी सड़क पर चलते हुए अगर हम दूसरों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे, अगर हम गंद फैला रहे हैं, अगर हम वहां पर थूक रहे हैं, देन वी आर नॉट गोइंग टू बी एन एजुकेटेड पर्सन। अगर हम इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं तब हम एक रियल सेंस के अंदर एजुकेटेड हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें इफ वी आर एजुकेटेड देन ऑल दीज थिंग्स need to be reflected in our conduct and behavior. Next letter is A. It is for adaptation. हमारे इर्द गिर्द आप देखते हैं बहुत तेजी से scenario change होता है। हमें अपने आप को adapt करना चाहिए, अपने आप को उसके अनुकूल ढालना चाहिए और बहुत तेजी के साथ ढालना चाहिए। हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 युग के अंदर ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं पिछले 7-8 साल के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 का युग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, मशीन लर्निंग का युग है, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे विषयों का युग है, रोबोटिक्स का युग है। आप ये ध्यान रखें कि ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ये सब आकर रहेंगे, मैं और आप चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपने आप को इन चेंजेस के लिए तैयार करना। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। भारतीय सरकार ने ऑलरेडी ये डिसीजन लिया है कि 2030 तक सभी फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स यानी कि डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को ग्रेजुअली फेज आउट कर दिया जाएगा
विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और आप देख भी रहे हैं कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट के अंदर आने शुरू हो गए। डीजल व्हीकल के अंदर लगभग 2000 मूविंग कंपोनेंट्स हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, बहुत लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। और जब ये 20 कंपोनेंट्स तक आ जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो बहुत सारे लोगों के रोजगार के अंदर एक डिस्ट्रप्शन होने जा रही है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो सकता है आने वाले 4-5 सालों के अंदर जो एक कन्वेंशनल काइंड ऑफ जो हम लोग डायग्नोस लेते हैं किसी भी डॉक्टर से, उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो और बहुत सारी चीजें आप घर बैठकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से ये सॉल्व ही कर पाए। दीज टेक्नोलॉजीज आर कॉल्ड एज फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द एम्प्लॉयमेंट सीन इन द टाइम टू कम। It is estimated that our employment scene can get adversely affected by 40-50% what we have today. परंतु इससे घबराने की जरूरत नहीं। आप याद कीजिए 90s के अंदर जिस समय कंप्यूटराइजेशन हुआ उस समय भी इस तरह की आशंकाएं थी, परंतु आज आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जॉब्स आईटी सेक्टर के अंदर अवेलेबल हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपने आप को इन चेंजिंग सिनेरियो के लिए तैयार करना। आपके यहां मैंने देखा कि आपने बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने इस आईटी सेक्टर के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है और बहुत सारे आपके विद्यार्थी आईटी सेक्टर के अंदर ही एंटरप्रेन्योर बने हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई है। तो हम लोग अपने पाठ्यक्रमों के अंदर परिवर्तन करके अपने आप को इन टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार करके इनका सामना करने के लिए तैयार रखें। नेक्स्ट लेटर इज सी, इट इज फॉर चैलेंजेस। सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें कि आपकी असली यात्रा अभी शुरू हो रही है। इन द टाइम टू कम यू विल फाइंड सो मेनी चैलेंजेस इन लाइफ, बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने होंगी। उन चुनौतियों से घबराएं नहीं, उनसे भागने की कोशिश मत करें, किसी भी तरह के शॉर्टकट्स में बिलीव मत करें। ये ध्यान रखें कि जो उन चुनौतियों को स्वीकार करता है वही उससे पार होता है। आप इन चुनौतियों को स्वीकारें, उनका सामना करें और चुनौतियों को अपॉर्चुनिटीज के अंदर परिवर्तित करें। आप देखेंगे कि सफलता बहुत इजीली आपके कदमों को चूमेगी। एंड द लास्ट वन इज एच, इट इज फॉर ह्यूमन एलिमेंट इन यू। आप कभी भी इस मानवीय संवेदनाओं को अपने से अलग मत करें। चाहे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम करें, परंतु इमोशन ऑफ थिंग्स को कभी मत भूलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस को हमेशा ध्यान रखें। कोडिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो मानवीय कनेक्ट है दैट इज मच इंपॉर्टेंट देन द कोडिंग। और कभी शेयरिंग और काइंडनेस की बात हो, कभी एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेने की बात हो, तो किसी भी तरह का पासवर्ड मत लगाएं, ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस 5 पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू विद द एक्रोनिम पीच। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी एम्बलम की तरफ आप सब लोग देखेंगे कि आपकी जो यूनिवर्सिटी का एम्बलम है इसके नीचे एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, और वो ध्येय वाक्य है योगस्थ कुरु कर्माणि। इनफैक्ट ये गीता के सेकेंड चैप्टर दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, अगर ये पूरा श्लोक मैं पढ़ूं तो कुछ इस तरह से है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। यानी कि योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करें, आसक्ति को त्याग कर।
योग में स्थित होने से मतलब है कि सिद्धि व असिद्धि यानी कि सफलता या असफलता, सक्सेस और फेलियर, यू हैव टू मेंटेन योर टेम्पर, मेंटेन योर कूल, बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करें, यानी कि मुसीबत के समय मुस्कुराएं और सफलता के समय अपना संयम बनाए रखें। आज दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर हमें यह समझना है कि दीक्षांत का मतलब शिक्षा का अंत नहीं है, यह तो एक शुरुआत है आपकी नई उड़ान की। इस उड़ान के बारे में ये पंक्तियां कहते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। ये मेरे सब जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। खोल ले पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी पूरा आसमान बाकी है। आप सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को, आपके इस कॉलेज को मेरी शुभकामनाएं कि आप आसमान की नई बुलंदियों को छुए हैं और आने वाला समय आप सबके लिए बहुत शुभ हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ से दीक्षांत समारोह के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा दायित्व समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है तो हम सब ने मिलकर समस्या का या बहुत सारी जो भी समस्या है उनका समाधान ढूंढना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाना है और आर्थिक विकास भी करना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम सही मायने में शिक्षित कहलाएं और पूरे समाज को आगे बढ़ा पाए और अब हमारे देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में हम सब मिलकर योगदान दें। निश्चित ही आज का मंच पर उपस्थित सनातन धर्म प्रबंधन कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष डॉक्टर देश बंधु जी से निवेदन करूंगा कि वो दीक्षांत समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आए। मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से स्थापित और प्रातस्मरणीय जागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त जी द्वारा पल्लवित और पुष्पित इस महाविद्यालय के आज के इस पावन और पुण्य दीक्षांत समारोह के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का हम अपने प्रांगण में आने पर जहां अभिनंदन करते हैं वहां करतल ध्वनि से उनका धन्यवाद भी करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और धन्यवाद करें। माननीय अपने अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रमों में से हमारे लिए समय निकाला, हम आपके अति आभारी हैं। ये तो मात्र कहने की बात होती है कि कुलपति के लिए शनिवार और इतवार छुट्टी का दिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रॉब्ली सैटरडे एंड संडे दे आर मोर बिजी देन मंडे, क्योंकि इन दो दिनों में उन्होंने आगे के आने वाले समय के लिए बहुत सी परियोजनाएं, बहुत से कार्यक्रम निश्चित करने होते हैं। उसके बावजूद भी आज हमारे मध्य ये पधारे, हमारे लिए सौभाग्य की बात। आपने मात्र एक शब्द टीच के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को जो प्रेरणा दी है, मैं समझता हूं कि उनके आने वाले जीवन काल में ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। मान्यवर, ये कहा जाता है कि जो राष्ट्र अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूल जाता है, जो संस्था या जो परिवार अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं, उनका पत्र शीघ्र ही शुरू हो जाता है। लेकिन हम ऐसे पावन अवसरों पर उन सभी अप्रत्यक्ष पुण्य आत्माओं को
जो देवलोक को त्याग कर आज हमारे मध्य नहीं है उनको हम नमन भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं, जिनकी वजह से आज हम यहां खड़े हैं। ये भी कहा जाता है कि किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान की पहचान मात्र उसकी इमारतों से नहीं होती बल्कि उसके अध्यापकों से और उसके विद्यार्थियों से होती है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कॉलेज की स्थापना से लेकर आज तक सुयोग्य अध्यापक वृंद, शैक्षणिक साथी मिले जिनकी वजह से इस महाविद्यालय ने 106 वर्ष की यात्रा पूरी की। पिछले 30 वर्षों में बहुत से मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, एमबीए, बीएड इंस्टीट्यूट खुले और उनमें से शायद 50% तो बंद भी हो चुके हैं। तो ये इन पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद, उन सुयोग्य साथियों का आशीर्वाद, उनका योगदान कि हम इतनी लंबी यात्रा आज तक सफलतापूर्वक तय कर पाए हैं। हमारे मध्य विराजमान, वर्तमान में कार्यरत या सेवानिवृत्त जो हमारे अध्यापक बैठे हैं, जो हमारे शैक्षणिक साथी बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद कि इस महाविद्यालय को इतनी बुलंदियों पर वो ले आए कि आज कुलपति महोदय ने अपने मुखारविंद से आपके महाविद्यालय की इतनी तारीफ की। ये विद्यार्थी श्रीमान, आपको बताऊं कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक स्कीम निकाली थी कि जो महाविद्यालय 75 वर्ष से ज्यादा हो गए उनको स्पेशल ग्रांट दी जाएगी, बशर्ते कि वो 50 ऐसे विद्यार्थियों के नाम दें जिन्होंने देश या विदेश में अपना नाम कमाया हो। और जब हमने वो लिस्ट तैयार करनी शुरू की तो हमारे पास 500 से भी ज्यादा ऐसे विद्यार्थी निकले जिन्होंने इस कॉलेज का नाम ना अपने प्रांत में बल्कि देश में और विदेश में भी रोशन किया, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो। गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर एनएन वोरा जी, श्रीमती सुषमा स्वराज, हमारे हेल्थ एंड होम मिनिस्टर अनिल विज जी, हमारे एमपी रतनलाल कटारिया जी, हिमाचल के चीफ जस्टिस रहे, हिमाचल विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और इसके अलावा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे कि हमारे विद्यार्थियों ने अपना परचम ना फैलाया हो। और ये जो भविष्य हमारे सामने बैठा है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो लिस्ट आज से 15 वर्ष पहले 500 की थी, अब तक तो मैं समझता हूं कि वो कई हजार से ऊपर निकल चुकी होगी। इन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, इनको शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज के इस आयोजन में पधारे हमारे दूसरे महाविद्यालयों के प्राचार्य महोदय डॉक्टर अशोक जी, अशोक चौधरी जी, डॉक्टर जयश्री खरे जी, डॉक्टर अनुपमा जी, हमारे अपने कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर आशीष शर्मा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिसेज नील इंद्रजीत कौर संधू, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं मैनेजमेंट की तरफ से। और मैं अपने कार्य में अधूरा रह जाऊंगा अगर मैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजिंदर राणा जी का धन्यवाद ना करूं जिन्होंने इस कॉलेज को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 5 वर्ष पहले हमारा ए ग्रेड था, आने वाले थोड़े ही समय में दोबारा नेशनल एक्रीडेशन एंड असेसमेंट काउंसिल से हमारा दोबारा से एक्रीडेशन होने जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार रजिंदर जी आपको A++ का ग्रेड दिलवाकर ही रहेंगे। जितना कुछ हमने किया है मेरी शुभकामनाएं, एक बार पुनः खड़े होकर आज के मुख्य अतिथि के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से प्रारंभ करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी को। प्राचार्य महोदय, मैं इन परास्नातकों एवं स्नातकों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो कि विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों की स्नातकोत्तर एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण कर इस उपाधि को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। आपसे एक प्रार्थना है कि आप इन्हें ये उपाधि प्रदान करें। काजल, काजल दीक्षा कपूर, अंजलि, अंजलि, लोकिता विमान, प्रियंका, परनी कौर, गगनप्रीत कौर, शीनम, शीनम, संगीता देवी, एमएससी मैथ्स में निधि, शीतल, आशु सैनी, मोनिका, मनीषा गर्ग एमकॉम, हरप्रीत कौर, कविता, मीनाक्षी, अमृत चहल, करणजीत कौर, करणजीत कौर, चंद्रप्रीत कौर, चरणजीत कौर, चरणजीत कौर, शगुन सिंगला, नीरू, यशप्रीत कौर, छवि, छवि, परनीत कौर, परनीत कौर, मनीषा अत्री, मनीषा अत्री, अमीषा, नैन्सी कपिला, एमकॉम एंड एमए इंग्लिश, सलोनी, प्रीति तिवारी, मानसी, कनिष्क नैनीवाल, विमानी चौहान, अंकिता शर्मा, हिमानी चौहान के लोग, अंकिता शर्मा, सिमरनजीत कौर, राजनंदिनी, राजनंदिनी, मिस निकिता जोशी, निकिता जोशी, कृतिका, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, बीएससी नॉन मेडिकल कृतिका, अंजलि पेनिकर, मिताली, मिताली, विशाली वर्मा, रीना सैनी, मनप्रीत कौर, परमजीत कौर, अंजलि बीएससी नॉन मेडिकल,
लवनीश चौधरी अंजलि के बाद रिंपिका सैनी, मोहित रिंपिका सैनी, मोहित मनीष सैनी, दीपिका सैन, मोहित मनीष सैनी, यशिका कौशिक, नीतिका पारुल, पारस मंदीप कौर, साक्षी राणा, कृष्णा विक्रम सिंह, दीक्षा शर्मा, पूजा दीक्षा शर्मा सर, पूजा आशीष गौरव चाहर, गौरव चाहर, वंशिका हिमानी, वंशिका हिमानी, तरुण सुमित, सुमित रोहित कुमार बीएससी नॉन मेडिकल, परविंदर कौर, लता काजल, अदिति पाठक दीक्षा वर्मा, पिंकी अंजलि शर्मा, जितेंद्र सिंह, खुशी हर्ष मालवालिया, हर्ष साक्षी, भरत कुमार रौनिक आर्यन राणा नेहा सैनी, अदिति आनंद,
युक्ति गुप्ता, युक्ति गुप्ता, नेहा, कीर्ति महना, कीर्ति महक, अजय सिंघल, सुनील शर्मा, निकिता और रुचिका। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दुर्गा शर्मा जी को कि इसके आगे के छात्रों को, स्नातकों को प्रस्तुत करें। डॉक्टर दुर्गा शर्मा, धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष। कल्पना, आरती, मुस्कान चंदन, सविता, निधि वर्मा, निधि कौशिक, सोनिका गुप्ता, सौरभ धीमान, मिलन सिंह, निधि कुमारी, शिवानी, तनु सैनी, तृप्ता शर्मा, मुस्कान शुक्ला, नंदिनी, नेहा अग्रवाल, विशु सिंह, बरखा शर्मा, पायल, तनवीर कौर, राफिया परवीन, शिखी नागरा, साहिल कुमार नागरा, भारती, अंजलि तिवारी, कीर्तिका, मुस्कान पुरी, दीपिका, शिवांगी, प्रियंका, रेणु, रितिका, अदिति, महक, सिमरन, दीपक नाथ वर्मा,
विक्रम अभिषेक खन्ना अनामिका हर्ष चौहान दीप्ति तुली आशा हिमानी सैनी अंजलि देवी तनुजा छवि शर्मा विक्राम अभिषेक चौहान मोबाइल से नहीं मैम नहीं मैम कमलजोत सिंह अलाउड ही नहीं सर बोल पड़ेंगे ध्रुव ऋतिक सोही पायल बख्शी जसविंदर सिंह मोनिका सुरक्षा देवी काजल विपिन कुमार रिया शर्मा राशि अरोड़ा शिक्षा ओबरॉय मोनिका प्राची दानवर रितिका बंसल स्पर्श आंचल दीवान मुस्कान अनुमनचंदा खुशी ऐलावादी चारू शर्मा विनीता प्रीति कोमल रानी प्रियंका यादव काजल देवी नवप्रीत कौर निधि मोहित कुमार विशाल सैनी अश्विनी कुमार यादव अजय चौहान विश्वजीत सिंह गौरव मुस्कान सिमरनजीत कौर पूजा राजपूत मुस्कान
शक्ति सिंह, प्रीति हरप्रीत कौर, रजत कुमार, मुस्कान निखिल, धीमान रोहित जानवी, दिवम शर्मा, सिमरन, अर्चित सिंह यादव। धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर नवीन गुलाटी जी से निवेदन करूंगी कि वाणिज्य स्नातकों को प्रस्तुत करें। डॉक्टर नवीन गुलाटी। ऋतिक भाटिया, कुणाल कुमार, मनप्रीत सिंह, करण नंदा, तृप्तो सिंह गिल, कृतिका, मनीषा, शुभम, तेजप्रीत सिंह, सिमरन सिंह, अमनदीप, लवली, जयकृष्ण, सिमरजीत कौर, अंशुल शर्मा, अनुज वर्मा, भानु प्रताप सिंह, रमनदीप धीमान, विष्णु गुप्ता, प्रिया बंसल, वैभव सिंह, मनु चौहान, साहिल शर्मा, मनीषा धीमान, संस्कृति, कुश शर्मा, डीजी शर्मा, राधिका मल्होत्रा, बेला, मनजोत सिंह, नवीश कुमार, श्रेया यादव, आदर्श, सौरभ गर्ग, हिमांशु शर्मा, रवनीत कौर, प्रिया, संदीप कौर, योगिता शर्मा, एंजल, वैशाली अग्रवाल, नवनीत कौर,
सिमरजीत कौर, नम्या शर्मा, सोनाली, विनू, रिधि, तमन्ना कुमार कुमारी, तान्या, रितिका कनौजिया, गुरप्रीत कौर, सिमरन देवी, प्रतिमा, लवप्रीत, स्नेहा, राजी, हरमीत कौर, कड़म नहीं होना है योगिता, हरमीत कौर, अनु देवी, जसलीन कौर, शिवानी कुंडी, तरण जोत, शिवानी गुप्ता, विधि, भरत कुमार, रितिका सैनी, अनन्य शर्मा, मनप्रीत कौर, बेटे सीधे खड़े हो जाओ सीधे, बेटे फोन से फोन से सब इकट्ठे हो जाएंगे, फोन वाले बेटे फोन वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे करके आप आगे यश मल्होत्रा, शिफाली मल्होत्रा,
शर्मा, नैना दीपक, प्रभजोत सिंह, जतिन, अजीत पटानिया, आप कोई ना पीछे रो पीछे धन्यवाद।
आर्या, अनिशा लाला, अर्जुन मालावाडिया, पिछड़ो आप संयम जैन, वासु चौहान, गुरप्रीत भाटिया, मिथुन महेश,
सरिता जसप्रीत सिंह अंकुर रविंदर सिंह कार्तिक कोमल देवी रोहित फारू जसप्रीत सिंह Thank you.
साथ राजेंद्र कौर, गजेंद्र सोही, रोहित चमोदा, दीपा कुमारी, आशीष बंसल, आशीष
विपिन सिंह, विकास मुकुल वर्मा, कोमल, दीपिका रानी, नवजोत कौर, रजिता शर्मा, हेमा मित्रों के, कोमल सैनी, महक, निशाली अनिजा, नितिशा, नविता, प्रज्वल, अभिषेक मोहन, नेहा, मालविका शर्मा, दीक्षा, सिमरन, आकाश जयपुरा, हरप्रीत कौर, कशिश, सुरवीर रावत, अनमोल, हिमांशी शर्मा, महक धीमान, वृंदा, रविंदर, विशाखा, अमनदीप, सोमन, नीतीश कपिल, अभिषेक शर्मा, जस्मिता हांडा, ममता, पूनम कुमारी, साहिल, शिवानी, कुणाल सिंह, प्रीति, बेटे आप रुको, बेटे एक पीछे रहो, आप पीछे रहो, आप मोहित सू सामने हो गए बेटे, सामने शिवानी, भारत, कुमार, वैभव शाही, पंकज देवी, प्रियंका, महक मानी, अभी पांच सौ को चौदह, अनु, प्रियंका, शुभांगी, मनीषा कुमारी,
बेटा पीछे रहो, आप पीछे रहो। आप पीछे हो, आप पीछे हो, देख रही बात लगा लो। बस कुछ ही मेरी डिमांड है, प्राचार्य महोदय, मैं आपसे सनातन धर्म महाविद्यालय अम्बाला छावनी के वार्षिक दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की प्रार्थना करता हूँ। समापन की घोषणा करता हूँ।